अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी और मसाला पूरी, जिसकी रेसिपी ये है। ये देखिए व्यूअर्स, हम जो हमारी आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं उसका हम मसाला बनाएंगे। ये मैंने ली हूँ 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच बड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 हरी मिर्ची। इसको हम इसमें डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे दरदरा, फिर मैं आगे का। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने तेल ली हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़पत्ता, और ये जो मसाला हमने ग्राइंड करा था ये आप चाहे तो किसी भी में कूट सकते, मेरे पास नहीं है तो इसके लिए मैंने इसमें ही बनाई थी। तो अच्छा भुनेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन। तो अच्छा भुनेंगे, दरदरा कूट लेना है मसाले को। उसमें हरी मिर्ची, सौंफ, धनिया, ज़ीरा, 2 तेज़पत्ते डाल के, अदरक लहसुन डाल के मैं अच्छे से भून रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 टमाटर की प्यूरी, अगर आप चाहे तो काट के डाल सकते हैं, मैं पीस के डाल रही हूँ। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे भर के धनिया, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी। ये मसाले को अच्छे से भून लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारा मसाला भून गया है। अब मैंने 3 आलू बॉईल करके रखी हूँ, ये 3 आलू मैंने बॉईल करके रखी हूँ। अब इसको हम हाथों से क्रश करके सब्ज़ी में डालेंगे हमारी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आलू को। अभी इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे पानी। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इसका उबाल आन देंगे, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें डालेंगे क्रश करी हुई कसूरी मेथी और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। इसमें अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए थोड़ी सी हींग डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और अब मैं इस पर एक लगाऊंगी तड़का, ताकि इसका एकदम अच्छा सा भंडारे वाला कलर आ जाए। मैंने तेल गरम होने रखी हूँ, अभी मैं डालती हूँ उसमें थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्ची। फटाफट से हम देखिए हमारी सब्जी ज़बरदस्ती बन के रेडी हो गई है। अब गैस को करते हैं बंद और अब मैं आपको मसाले वाली पूरी बनाना बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने ली हूँ 1 कटोरी मूंग की दाल पूरी के लिए, हमारी मसाला पूरी बना रही है, ये कटोरी से ली हूँ मैंने 1 कटोरी, और 2 हरी मिर्ची ली हूँ। अभी हम इसको मिक्सर में डालेंगे, इसको हम बारीक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे इसका। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा। इसको हम पीस के फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये दाल को पीस ली हूँ, जिसमें मैंने हरी मिर्ची और ज़ीरा डाली थी मूंग की दाल को। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन को, ऐसे क्रश करके ये डाल देंगे हम। और इसमें मैं 1/2 कटोरी सूजी डाल रही हूँ, 1 कप दाल है तो 1/2 कटोरी सूजी ली हूँ मैंने। और 1 कप मैंने ली हूँ मैदा, आप चाहे तो आटा ले सकते हैं, मैं मैदे की बना रही हूँ तो मैंने मैदा ली हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ, हम मसाला पूरी बना रहे हैं तो 1/2 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से इसमें डालेंगे नमक। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अब इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिला के सूजी को फूलने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट।
उसके बाद हम इसका आटा लगाएंगे और जित और आधा कप आटा मैं लूँगी अभी, मैदा लूँगी, पहले हम इसको रख देंगे फूलने, फिर मैं आगे का। अब इसको हाथों से मैं अच्छे से मिला रही हूँ। अच्छा सा सॉफ्ट आटा लगाना है। जितना पानी लगेगा थोड़ा थोड़ा करके पानी लेंगे और अच्छा सा आटा गून लेंगे। अभी मैं आगे का। ये व्यूअर्स, ये हमारा आटा गून के रेडी हो गया। अब इसको मैं 4 से 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रखूँगी, जब तक मैं कढ़ाई में तेल गरम करती हूँ, फिर मैं आगे का आपको बता। इतनी बड़ी बड़ी हम लोई बना लेंगे, फिर हम हमारी पूरियाँ बेलेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसकी पूरियाँ बेल के रख ले रही हूँ। जितनी बड़ी आपको चाहिए उतनी बेलिए, मैं ऐसी बेल ले रही हूँ। देखिए अभी मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। 2-4 पूरी एक साथ बेल लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये व्यूअर्स, ये हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम एक एक करके हमारी पूरी डालेंगे इसमें। हल्के हल्के ऐसे करेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए एकदम। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली हमारी पूरी। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बन रही है। बस अब इसको निकालेंगे, हमारी दूसरी पूरी डालेंगे। अभी मैं आपको बस देखिए व्यूअर्स, ये हमारी आलू की सब्जी और ये हमारी मसाला पूरी, उसके साथ मैंने रखी हूँ पापड़ और हमारा दही। प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको डिश आउट करके बताइए। देखिए कितनी अच्छी मैंने थाली बनाई हूँ, प्लीज़ आप लोग भी बनाना। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी झटपट से, 15 मिनट में आप अपने घर का डिनर रेडी कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी भंडारे वाली सब्ज़ी आलू की और मसाला पूरी बन के रेडी हो गई। ये आप अपने डिनर में बना सकते हैं झटपट से। प्लीज़ आप लोग इसे बनाइए, खाइए और मुझे दुआ कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।